ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन में तड़के सुबह एक मकान में महिला का शत विक्षत शव पाया गया। अभी महिला की पहचान नहीं हो सकी है। टीम इसकी जांच करने में जुटी है। आपको बता दें कि इसी के साथ मौतों का आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। इनमें से 10 शवों की शनाख्त हो चुकी है, 2 की पहचान होना अभी भी बाकी है। टोटल जो 184 केस थे, जिसमें से 174 हमारे अस्पताल में अन्यत्र रेफर किए गए थे। उनमें से हमारे 10 मृतक लाए गए। एक व्यक्ति की ले जाते वक्त मौत हो गई थी, तो उस दिन का जो डेथ का आंकड़ा था या मृत्यु का आंकड़ा था वो 11 पे। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पीछे मलबा डाला हुआ, उसकी सफाई चल रही है। जो घर टूट गए थे विस्फोट में, उसके बारे में हम उसकी कोम्बिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अंदर की क्या है, वो सुरक्षा असुरक्षित घर है वो, उनके बारे में अंदर से चेक किया जा रहा है। उस चेकिंग के दरमियान हमें पड़ा शव बरामद हुआ है। तो 11 और 1 को मिला के आज जो हमारा मृत्यु का आंकड़ा है वो 12 पर पहुँच गया है। आप देख रहे हो उस परसों से लगातार सर से ब्लास्ट हुआ है, तब से लगातार अभियान चालू है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। कल रात भी चल रहा था, इतने की बंद हुआ था, अभी भी लगातार चालू है। जब तक वो कंप्लीट खत्म नहीं होता तब तक प्रशासन उसको चल रहा है। सुबह एक यहाँ पे डिब्री में एक बॉडी मिला था, तो एक अननोन महिला का, वो अभी पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है।